और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए एक लेटर भेजा गया है, जिसमें आरोपी ने राम मंदिर के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी भरे इस ईमेल में आरोपी ने खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ भी बताया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान मंच और राष्ट्रीय गोरक्षा परिषद के से जुड़े हुए देवेंद्र तिवारी को 27 दिसंबर को दोपहर 2:07 पर एक ईमेल मिला। इसमें आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। आरोपी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की इस ईमेल में धमकी दी है। ईमेल भेजने वाले का नाम जुबैर हुसैन बताया जा रहा है और उसका कहना है कि वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, आईएसआई से उसके संबंध हैं, वो इन तीनों को वजह से परेशान है और इसीलिए उनसे बम से उड़ा दे। मामले को संज्ञान में लेते हुए अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और लखनऊ पुलिस के साथ अब एटीएस को भी इस मामले की जांच पड़ताल सौंप दी गई है। आईपी एड्रेस के जरिए अब ईमेल भेजने वाले का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। एक मेल आया जिसमें जुबैर अहमद के नाम से मेल था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुझे और एसटीएफ चीफ और भगवान राघवेंद्र राम के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसको लेकर सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा लिखा गया है और सभी विभाग के लोग इस पर एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं। श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी और यह धमकी ईमेल के जरिए की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस ईमेल में क्या कुछ लिखा है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे कि ईमेल का कंटेंट क्या रहा है। देखिए क्या लिखा है, योगी अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी बहुत बड़े गोरक्षक बनते हैं, हम इन्हें बम से उड़ा देंगे। इसके अलावा क्या लिखा, हमारे सारे लोग अब यूपी में पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि साजिशन किस तरीके से साजिश को अंजाम देना है उसकी पूरी तैयारी है। उसके बाद राम मंदिर योगी अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ा देने की ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। आईएसआई इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसलिए संदेह पड़ोसी मुल्क पर भी